हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी लकी गोट फार्म पे लकी भाई के साथ। नमस्कार लकी भाई। नमस्कार शादाब भाई। नमस्कार, कैसे हैं लकी भाई? बस बढ़िया भाई साहब। अभी 2-3 महीने बाद आना हो रहा है हमारा राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो कितना स्टॉक है अभी अपने पास में? अपने पास अभी 50 नंगे 50-60 नंगे। रात को गाड़ी भी भर दी, आपको कल फोन किया था मैंने। थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो बहुत ज्यादा जानवर देखने को मिलते। बड़ी बड़ी बकरी है, 60 किलो 70 किलो। तो इस वीडियो के अंदर क्या दिखाने वाले? हम इसमें दिखाएंगे 60-70 किलो की बड़ी बड़ी प्रेग्नेंट बकरी है। प्रेग्नेंट बकरी है बड़े साइज की। हाँ ठीक है, अपन पहले माल देख लेते हैं, फिर रेट की बात बाद में करेंगे। जैसे ये फीमेल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि लोडेड है। बिल्कुल, ये 70 किलो के आसपास की बकरी है। ठीक है, लोडेड है 3-3.5 महीने की। तो अभी कितना टाइम लेगी बच्चा देने में? 2-2.5 महीने वो लेगी। 2 महीने मान के चलो, 5.5 महीने हम दे देती है। ठीक है, तो लकी भाई ये साइज की फुल बड़े साइज में जो फीमेल है, इनका भाव क्या है? इनका भाव है 260 रुपये केजी। 260 रुपये किलो। हाँ, बढ़िया बकरी है, एक नंबर क्वालिटी। प्रेग्नेंट वाली। तो टोटल अपने पास कितनी फीमेल्स हैंगी ये? ये तो 20-25 नंग है, बड़ी बड़ी बकरी है, चितकाबरी, एक नंबर क्वालिटी वाली बकरी है। जैसे एक बकरी थोड़ा अलग दिख रही है मुझे, ये पूरी, ये उसका भूरा कलर आता है। भूरा कलर है सिरोही के अंदर। 5-10 बकरी पूरी आती रहती है। इसकी डिटेल बताओ, क्या डिटेल पे होगी ये? ये 60 किलो के आसपास है ये। अच्छा, सारी बकरी है, को 3 महीने, कोई 2 महीने, कोई महीने, कोई 4 महीने की, सारी प्रेग्नेंट है। तो आपने खुद लोड करवाई है ये? तो अपने फार्म पे ये लोड की नहीं है। अच्छा, लोडेड ही नहीं, ये ऑर्डर नहीं है किसी का, कोई आएगा बंदा उसको दे देंगे। ठीक है, तो अभी और कितनी थी अपने पास जो लोड करा दी आपने? रात को हमने 80 नंग लोड किया था बकरे। कहाँ पर? इंदौर एमपी। एमपी, चलो बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी इंदौर में भी शौक हो रहा है अभी एमपी में। ठीक है, और जो छोटे साइज की फीमेल है लकी भाई, ये इनका भाव क्या बताओगे आप? 260 रुपये केजी है ये। तो अब बड़ी बड़ी बकरी है ना ये, देखो ये 60-70 किलो वाली है, और हल्की में 35-40 किलो वाली, ज्यादा तो ये लेके जाते हैं 30-35। ये थोड़ी सी क्वालिटी लो दिख रही है मुझे। अच्छा, हल्की है ना, वजन में भी कम है ना, 35 किलो आसपास की। अच्छा, ज्यादातर फार्म्स के ऊपर यहाँ मसला ऐसा है कि एक दो बकरों की कोई डिलीवरी देता नहीं है, बोलता है फार्म पे आओ लेके जाओ, लेकिन आप दे देते हो डिलीवरी एक दो जानवरों की। लेकिन बाद में वो क्या कि वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बकरे के लिए, इसका फोटो भेजो, उसका वीडियो भेजो, उसको दांत का भेजो, और पैसे वो डालते नहीं, उसके बाद वहाँ पे आके दे देंगे एक एक बकरे, बहुत मगजमारी। लेकिन जिस जो आदमी सीधा बोले कि हमें एक बार भेजना है, कितने का बनेगा, सीधा पैसे डाले बकरे भिजवा देते। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो मतलब आप लोग तो वैसे भी बल्क के अंदर ज्यादा काम करते हो कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर? 50-100-200 ज्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं। अभी तकरीबन कोई 100 बकरों का ऑर्डर आपको देता है, जैसा कि पहले भी एक ऑर्डर मिल चुका मेरे सामने आपको, तो कितने 3 ऑर्डर निकाल दिए ना अभी 5-7 दिन में अपन। एक गया था इंदौर, 200 बकरे गए थे ठाकुर साहब के, और रात को भरे थे 100, पहले भरे थे 40। ठीक है, तो कितना टाइम लगता होगा 100 बकरे अरेंज करने में आपको? 3 दिन। 3 दिन, लेकिन हम टाइम लेते हैं 5-6 दिन का लेते हैं, ताकि उनको वैक्सीन आ रहे, पीपीआर है, एलए वगैरह तक करने का, तो वो यहाँ पे हो जाता है ना अपने फार्म पे। जैसे माल हम खरीद लाते हैं फार्म पे इकट्ठा करते हैं, फार्म पे इकट्ठा करने के बाद में उनको वैक्सीन लगा देता है, वो सेट हो जाता है वैक्सीन क्लाइमेट के अनुसार, फिर रस्ते में किसी पार्टी वालों को दिक्कत नहीं आती। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट होकर निकलेगा तो ज्यादा बेहतर है, तो फिर बीमारी का और मरने का चांस जो है। बाकी क्या करे, फिर वो यहाँ इकट्ठा करते है, 10 जगह से आते हैं, फिर यहाँ इकट्ठा करके हम गाड़ी लोड करते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं वहाँ पे जाके, वैक्सीन नहीं करते। अगर बिना वैक्सीनेशन के भेजते हो तो उसमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं? उसमें नुकसान देखने में, जैसे बिना वैक्सीन के वहाँ जाते हैं, पहले क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, फिर खाना, अब इधर हम हरी पत्ती देते हैं जो देते हैं, और उधर का अलग होता है भूसा देते हैं, वो इधर का, वो तो उसमें क्या, फिर वो जाके बीमार पड़ता है। अच्छा, ये जो ब्रीड है सिरोही, सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पर आती है इसको सर्वाइव करने में? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर बीमार ज्यादा पड़ जाते होंगे ये? वो तो मंडी का माल पड़ता है, बाकी जंगल का माल बीमार नहीं पड़ता है। अभी मान लो कोई कश्मीर ले जाके पालना चाहे ना ठंडी जगह में, वहाँ भी सेट हो जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ वैक्सीन लगाओ और कश्मीर जाके क्लाइमेट के अनुसार वैक्सीन लगवा दो। वो वैसे बड़ी बकरी ज्यादा बीमार होती ही नहीं, छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा बीमार होते हैं। हाँ, ये संभले हुए जानवर होते हैं, थोड़ी बहुत हो भी जाती है, इसको दिक्कत नहीं, छोटे जानवर को दिक्कत है। तो आइए लकी भाई एक नजर और मान लेते हैं जानवरों के ऊपर। 260 रुपये केजी से, किसी को 50-100-200 चाहिए, 5-7 दिन पहले ऑर्डर दे दो, टोकन करवा दो। तो आपको खुद को पता है, ऑर्डर देते हैं अपन को, पैसे डालते के जाने वाले, कई बंदे के घबराते हैं टोकन डालने से, हालांकि उनकी भी तो गलती नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, फार्म हो गए कंपटीशन में, 150 फार्म है, कई है जो चंद्र लगा के बैठ गए, पार्टी वाले टोकन डालते, फोन बंद कर लेते, लेकिन बिना टोकन के तो फिर बुकिंग भी नहीं हो पाएगी। तो अपन भी तो 5-10 लाख का माल लेते, थोड़ा बहुत तो एडवांस चाहिए। 10 लाख रुपए का कोई माल लेता है तो कितना टोकन देना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कम से कम। हाँ। बाकी का फुल पेमेंट, बाकी यहाँ पे बकरे का वजन करके फिर दो गाड़ी लोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट होगा, उसके बाद में जो भी वेट आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा। कंपटीशन बहुत चल रहा है,
अब बाकी क्या 220 में भी बकरियां दे देते फिर वो करते हैं। लेकिन 220 में कैसे पुरा रहा है भाई? अभी तो कट्टू का भाव 220-200 चल रहा है ना। कट्टू का भाव 250 चल रहा है अभी। 250 चल रहा है। 600 रुपए किलो गोश्त इधर है, 550 है, कहीं 500 है, कहीं 600 है। वो लोग क्या कर, इधर कंपटीशन बहुत है ना, बहुत सारे फार्म है, फिर वो कंपनी चक्कर 220-230 में फिर वो धोखाधड़ी करते हैं, सब सिस्टम रखते हैं। अपने पास वो सिस्टम नहीं है। अपन तो यही बोल रहे हैं, अगर कोई राजस्थान के अंदर अजमेर के इलाके में कोई आके फंस गया और वो अगर बंदा हक के लिए सही, तो हमें फोन करे, हम उनका पैसा निकला गया कोई भी बात होगी तो हम खुद जाके, अगर बंदा सही होना चाहिए अगला वाला पार्टी वाला। सही बात है, तो फ्रॉड बहुत चल रहा है इसके, उसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। फिर क्या, लोग टोकन नहीं डालते, डरते हैं। अब किसी को चाहिए 50 बकरी 50,000, ठीक है टोकन डाल दो। अब कई बंदे क्या टोकन डलवा लेते हैं, फिर दो तीन दिन उठाते हैं, उसके बाद में फोन नहीं उठाते, सिम तोड़ के फेंक देते हैं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता है, वो रोड पे फार्म गाल देते हैं। लेकिन बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। सभी जो लोग हैं एक जैसे नहीं है, अच्छा भी काम कर रहे हैं बहुत से लोग। कई बंदे ऐसे है जो उनके पास फार्म वार्म कुछ भी नहीं है, जैसे अभी मेरा फार्म है, मेरे फार्म पे आके बढ़िया वीडियो बना लिया, लगा दिया, और उनके पास ऑर्डर आ गया तो वो हमारे पास लेके आ जाते हैं, जो भी मुनाफा बचेगा आधा आधा कर लेंगे। वो कई बार लेके आ जाते हैं, कई बार टोकन खा के कहाँ पता उनका ठिकाना नहीं आता है। सही बात है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो ठीक है लकी भाई, अभी ये सारे जानवर देख लिए, रेट इनका 260 रुपए केजी है। ऑल इंडिया सप्लाई, अपने खुद की पिकअप है, बोलर पिकअप है, कहीं भी अपन भेज देंगे 14 रुपए किलोमीटर में। ज्यादा क्वांटिटी लेने में 5-7 दिन पहले ऑर्डर करना है, कम क्वांटिटी में 2 दिन का टाइम चाहिए। जैसे 20-30-40 चाहिए तो 2 दिन में एडजस्ट कर देते, बाकी 100 पीस चाहिए तो 5-7 दिन का टाइम चाहिए, और एक नंबर क्वालिटी देंगे, माल की गारंटी अपनी है। बिल्कुल, पहुँचने तक गारंटी लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे भाई वो सीधा आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। घबराने टेंशन नहीं है, एक नंबर वजन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रेट है जो अपना रेट हाई लगेगा, बात ही है। जी अपन जी, जो जी। जो रेट चल रहा है वो लेगे, सस्ते के चक्कर में हम लोग, कई बंदे क्या आते हैं अजमेर से, आते हैं हमें फोन करते हैं, अजमेर से सस्ते के चक्कर में गायब हो जाते हैं। उनको क्या हम 250 बताते हैं, 260 कोई 230 में लेके उड़ जाता है, फिर उनको बाद में पता चलता है। सही बात है, बात ही है, किसी को घबराने जरूरत नहीं है। माल एक नंबर क्वालिटी, जो माल पसंद आए वो लेके जाओ, ऑर्डर भी दे दिया ना। तो जैसे मैंने उसके बाद में भी आप चॉइस कर लोगी, ये पसंद पचास नहीं आ रहा तो हटा दो। किटा किया किसी बंदे को, समझ लो पसंद नहीं है, टोकन भी वापस ले जा सकता है, और बाकी उसको छाड़ना है तो वो छाड़ भी सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपनी अच्छी बात है कि ऑप्शन है अपना छाटने का, जो पसंद है वो निकाल सकते हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे भाई वो सीधा आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। बिल्कुल, अपने स्क्रीन पे नंबर दिया है 7230980049, लक्की चावला गांव में रप्पी है, अजमेर से 25 किलोमीटर दूर है पुष्कर से आगे। ठीक है, वो जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो अपने स्क्रीन पर नंबर देगा, अपने से बात कर लेगा। ओके भाई, ओके, थैंक यू सर।